नहीं देखिए, कल का जो फाइनल T20 का मैच था रोमांच से भरा हुआ था। देश के 140 करोड़ जनता की निगाहें टिकी हुई थी भारतीय टीम पर, और सचमुच में टीम इंडिया ने जिस एकजुटता का परिचय दिया और जो खेल खेला, ने हार के कगार पर खड़ा होकर जीत छीन ली साउथ अफ्रीका के जबड़े से, ये इसके लिए पूरे टीम इंडिया को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार के खिलाड़ियों की ओर से, हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से और पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से टीम इंडिया को बधाई। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास का भी घोषणा किया T20 से, ये तो उनके जो चाहने वाले हैं उनको लगेगा दुख हुआ है, लेकिन उन्होंने सही समय पर, इससे बड़ा तोहफा वो देशवासियों को कुछ दे नहीं सकते थे। वो कप दिला करके, विश्व चैंपियन भारत को बना करके तब उन्होंने संन्यास का घोषणा किया, लेकिन कई पाइपलाइन में कई विराट कोहली, कई रोहित शर्मा हैं। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने कल का कैच पकड़ा है, वो सूर्योदय नया एक क्रिकेट के इतिहास में वो कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। अच्छा, ये बंगाल के गवर्नर है CV आनंद ने बहुत, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के खिलाफ है, मानहानि का दायर करने जा रहा हो, मुझे बहुत परेशान करना, चौंकाना, चकनाचूर करने वाला है। वो वित्तीय संकट का सामना कर रहा था बंगाल और सार्वजनिक मंदी से, और मैं राज्यपाल के रूप में उनको इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपातकाल कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो पत्र जारी नहीं किया है, और मैं आत्मसमर्पण किसी भी हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, किसी भी राज्य के महामहिम राज्यपाल का पद गरिमामय पद है, संवैधानिक पद है, उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और इस पद पर, संवैधानिक महामहिम राज्यपाल के पद पर बैठकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हो सकता है किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन जब वो इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो फिर उस प्रदेश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और इस तरह से राजभवन से, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ से कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपना नियम कानून थोपने का, ये ममता दीदी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। और ये महामहिम राज्यपाल जी को सोचना चाहिए, इस तरह का नौबत नहीं लाना चाहिए कि कल को राजभवन विवादों में घिरे। ये हेमंत बिस्व शर्मा है, कल झारखंड दौरे पर थे और आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग की चार्जशीट है जो विगत बनी है, और उनकी क्या, हेमंत सोरेन की क्या भूमिका रही है विधानसभा चुनाव में, क्या उन्होंने वादा किया जो पूरा नहीं? देखिए, हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से माननीय न्यायालय से जमानत मिली है, और जो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ने टिप्पणी की है, ये सबसे बड़ी जीत है, और ये प्रमाणित करता है कि किस साजिश और षड्यंत्र के शिकार हुए थे हेमंत सोरेन जी। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं वो पहले कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, और अभी वो, ठीक है कि एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ये सोच लेना चाहिए कि इस तरह से सियासत में, राजनीति में नहीं होती है। आज कोई सत्ता में रहता है, कल कोई दूसरा रहता है, लेकिन किसी भी विरोधी दल के नेताओं के साथ, एक माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और वो जो कह रहे हैं उसको जनता इस बार जवाब देगी, उनको असम की कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक जेल। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय ने जो भी न्यायिक हिरासत में वो हैं, लेकिन जो भी हो रहा है ये जांच एजेंसियों के माध्यम से केजरीवाल जी को परेशान करने का, इसको सब जनता देख रही है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी को न्याय मिला, बहुत सारे लोगों को न्याय मिला, अंतोगत्वा केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, ये पूरा भरोसा है। बाकी उनके जो कानून के सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार, वो अपना पक्ष उच्च न्यायालय में रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लेकर है, रविशंकर प्रसाद ने कहा है
कि नीट मुद्दे पर क्या वो न्याय चाहते हैं या नेतागिरी चाहते हैं? नीतीश कुमार सरकार में है, ईओयू भी की विंग जांच कर रही है। नहीं, यही तो न्याय न्याय चाहते हैं नीट मुद्दे पर, जो 25 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जो 25 लाख नौजवान छात्र हैं उनका भविष्य अंधकारमय हुआ है, इस पर न्याय चाहते हैं। उस परीक्षा को अविलंब रद्द किया जाए और असली जो दोषी है उनको गिरफ्त में लिया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही चाहते हैं। और बाकी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने दोषियों को संरक्षित किया है, सत्ता का संरक्षण मिला है, वो अपने गिरेबान में झांके उन्होंने किस तरह का पाप किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, वो इससे भाग रही है, वो केवल अराजकता और भ्रम चाहती है और संस्थागत तंत्र पूरे कामकाज में बाधा पैदा कर रही है। राष्ट्रपति ने भी स्वयं इसकी चर्चा की। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी नीट मुद्दे पर कम से कम ना कुछ बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि जले पर वो नमक न छिड़के छात्रों नौजवानों के। पहले उन्होंने क्या कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं प्रश्न पत्र, अब वो धीरे धीरे सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। सीबीआई क्या जांच कर रही है? पहले तो शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, तभी वो कोई बात करें। सीधे तौर पर जिम्मेवार है, उनकी उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको जिम्मेवारी जवाबदेही से भागना नहीं चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। नहीं, देखिए, जेडीयू में तो बीजेपी के साथ सेतु का काम जो कर रहे थे वो बने हैं, मजबूत स्तंभ हैं बीजेपी के जेडीयू में। तो आदरणीय संजय झा जी को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो हम उनको शुभकामना देते हैं और जिस तरह से वो चल रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को जेडीयू को लेकर बीजेपी के साथ गए, अब जेडीयू को ही बीजेपी में विलय कराना बाकी रह गया है। बाकी सब चीज़ तो देख ही रहे हैं लोग, बिहार की जनता की बात नहीं हो रही है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है। और बीजेपी ने जब आंख तरेरा और कहा कि 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का होगा, तो जेडीयू के अंदर भय समाया हुआ है और तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के दबाव में विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण का जो 65% है उसको 9वीं सूची में डालने की बात हो रही है। ये तो तेजस्वी यादव जी का मुद्दा था, जब सरकार में आए तो उन्होंने बढ़ाया। तो ये किससे मांग कर रहे हैं? ये सरकार में है, ये इनके भरोसे सरकार है, किंग मेकर की भूमिका में है, तो इसका फायदा जनता को कब मिलेगा ये न बताइए। इधर उधर की बात करके आंखों में धूल मत झोंकिए। लालू यादव ने ट्वीट कर आपातकाल पर कहा है और बीजेपी पर आलोचना करते हुए कहा कि 1975 में एक दाग होने के बावजूद देश पर लोकतंत्र, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में विपक्ष का सम्मान कौन नहीं करता। नहीं, ठीक बात आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है कि वो आपातकाल का दौर, वो भी एक काला धब्बा था, लोगों को जेल में डाला गया था, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन आज जो स्थिति है पिछले 10 वर्षों से, उस आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक है। आज की परिस्थितियों में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को साजिश और षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति सदन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता का माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को सीधे जेल में डाला जा रहा है, तो उस दौर के आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक ये आपातकाल है, ये एहसास आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भाजपा वालों को कराया।